So welcome students. Today we will see the second type of important cross performed by Mendel in study of inheritance. इससे पहले हमने मेंडेल ने परफॉर्म किया हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था, मोनोहाइब्रिड रेशियो देखा था. उसके बाद इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड रहने वाले दो अलग अलग लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टडी किया था. इसके बाद हमने देखा था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड टेस्ट रेशियो. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस performed by Mendel called as dihybrid cross. Okay, and depending upon this dihybrid cross, Mendel gives dihybrid ratio. ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें एक तरह का रेशियो मिला था, यहां पर भी डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद हमें एक टाइप का रेशियो मिलेगा जिसे हम कहेंगे डायहाइब्रिड रेशियो. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस डायहाइब्रिड क्रॉस जो भी ऑब्जर्वेशन है, इन सभी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके कॉरेंस ने इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ बनाया है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द थर्ड एंड फाइनल लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. तो यहां पर इस अगले पार्ट में ये जो भी हमारी सीरीज बनेगी अगली वीडियो लेक्चर्स की, यहाँ पर हम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया है इन डिटेल, वैसे ही हम स्टडी करेंगे इस डायहाइब्रिड क्रॉस को और इस क्रॉस पे जो बेस्ड है पर्टिकुलर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, द थर्ड लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इसे भी हमें स्टडी करना है. ओके, अब ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? अ क्रॉस परफॉर्म्ड बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट. कोई भी क्रॉस परफॉर्म करने के लिए इनिशियली हमें लगेंगे दो पेरेंट्स, अ नीड ऑफ टू होमोजाइगस पेरेंट्स. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी दो पेरेंट्स थे, यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस में भी दो पेरेंट्स प्रेजेंट है. अब यहां पर इन दोनों पेरेंट्स में कंसीडर किए गए हैं टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक पेयर सिलेक्ट की थी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, यहां पर इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल सिलेक्ट टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट अ सिंगल टाइम. एक साथ दो अलग अलग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करना है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया था? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम, और यहां पर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, ये जो भी दो पेरेंट्स है, इन दोनों पेरेंट में जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए गए हैं, ये दो पेयर सिलेक्ट एट अ टाइम एक साथ. इसलिए टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स. ठीक है, सो द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट अ सिंगल टाइम, और ये जो भी दो कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो अलग अलग पेरेंट में दो अलग अलग ट्रेट सिलेक्ट किए गए थे, इसी तरह से यहां पर भी डायहाइब्रिड क्रॉस में भी दो पेरेंट में दो कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग ट्रेट सिलेक्ट किए गए मेंडेल ने. यानी टोटल ट्रेट कितने हो गए यहां पर दोनों कैरेक्टर को मिलाकर? ईच कैरेक्टर शोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट. हमारे पास दो कैरेक्टर है, मेंडेल ने दो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, इसका मतलब यहां पर ट्रेट कितने होते हैं? टोटल चार ट्रेट बनेंगे. सो टू होमोजाइगस पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स को मिलाकर
कितने कैरेक्टर्स रेडी किए हैं यहाँ पर, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जहाँ पर दो पेयर प्रेजेंट है। और मेंडेल ने ऐसा क्यों किया? मेंडेल वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर का एक पेयर प्रेजेंट है, और फैक्टर्स, जिसे मेंडेल ने कहा था फैक्टर। एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, जब ये इनहेरिटेंस होगा, जो भी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कैरेक्टर है या पेयर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट है, जिसे हमने अलील्स कहा था या फिर इसे हमने कहा था जीन्स, इसका जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ दिस वन पेयर ऑन अदर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में एक साथ कई कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर किसी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगले जनरेशन में जब होता है, तो एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वेदर वन कैरेक्टर शोज एनी टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन अनादर, कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे इफेक्ट शो करता है या नहीं, दैट इज मेंडेल वांट टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर फॉर डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट ट्रेट्स ऑन वन अदर। अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला पेयर जो है, एलीलोमॉर्फिक पेयर, इस पेयर का इनहेरिटेंस किसी दूसरे पेयर पर डिपेंड तो नहीं है। जैसे हम देखते हैं, हमने 7 डिफरेंट कैरेक्टर देखे थे, और पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने डिस्कस किया था टॉलनेस। सो टॉलनेस ये एक कैरेक्टर है, अगर टॉलनेस का इनहेरिटेंस होता है, तो इनहेरिटेंस के वक्त टॉलनेस सेपरेटली इनहेरिट होता है या अपने साथ और कोई कैरेक्टर लेके आता है? यानी अगर प्लांट टॉल है तो फ्लावर कलर मस्ट बी रेड ही होगा, अगर प्लांट टॉल है तो सीड शेप जो है वो राउंड होगा, अगर प्लांट डॉर्फ है तो फ्लावर कलर व्हाइट ही होगा, उसके सीड का शेप व्रिंकल्ड ही होगा। ये जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट ट्रेट, अलग अलग कैरेक्टर और उनके जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, वेदर इनहेरिटेंस ऑफ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन अनादर टाइप। इनहेरिटेंस होते वक्त क्या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलील दूसरे कैरेक्टर के अलील पर कोई इफेक्ट कॉज करते हैं, या फिर वेदर वन पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील गेट इन्फ्लुएंस बाय अनादर पेयर ऑफ अलील, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ अलील होगा। तो अगले जनरेशन में इनहेरिटेंस होते वक्त, ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, वेदर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, अगर हम एक पेयर कंसिडर करें लाइक टॉलनेस, उसके लिए जो भी अलील प्रेजेंट है, ये अलील किसी दूसरे पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील्स पर, लाइक फ्लावर कलर के लिए जो है, या सीड कलर के लिए है, या फ्लावर पोजीशन के लिए है, इनमें से किसी पर कोई इफेक्ट कॉज करता है या नहीं करता है, ये डिटरमाइन करने के लिए मेंडेल ने एक साथ दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया। ये सबसे जरूरी बात है डायहाइब्रिड क्रॉस में, दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट अ सिंगल टाइम, एक साथ एक ही वक्त दो अलग अलग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करने की जरूरत मेंडेल ने क्यों महसूस की? तो क्या है इसके पीछे रीजन? टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर और फैक्टर और अलील और ट्रेट, चाहे जो भी कहिए, मीनिंग एक ही रहेगा,
क्योंकि कैरेक्टर डिपेंड है पेयर ऑफ फैक्टर्स पर, पेयर ऑफ अलील्स पर, पेयर ऑफ जीन्स पर। इसका किसी तरह का इफेक्ट दूसरा जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेयर ऑफ अलील है या पेयर ऑफ जीन्स है उन पर होता है या नहीं, या इनमें कोई रिलेशन प्रेजेंट है। कुछ कैरेक्टर एक साथ ही इनहेरिट होंगे, यानी अगर प्लांट टॉल है तो फ्लावर कलर रेड ही होगा, ऐसा कुछ सिनारियो यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये डिटरमाइन करने के लिए मेंडेल ने ये डायहाइब्रिड रेशियो जो है या डायहाइब्रिड क्रॉस जो है इसे परफॉर्म किया। और इसीलिए यहाँ पर मेंडेल ने क्या कंसिडर किया है, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किए है, इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर एट अ सिंगल टाइम। बाकी जो भी प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टू होमोजाइगस पेरेंट सिलेक्ट किए थे, आउट ऑफ दिस टू होमोजाइगस पेरेंट एक पेरेंट को सिलेक्ट किया गया एज अ फीमेल, सेकेंड पेरेंट को सिलेक्ट किया एज अ मेल पेरेंट। इमैस्कुलेशन वॉज परफॉर्म इन केस ऑफ फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट में इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया गया टू रिमूव द एंथर्स आर्टिफिशियली। और यहाँ पर जो मेल पेरेंट है, इस मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स जो है उन पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके आर्टिफिशियल क्रॉस जो हमने इससे पहले देखा था, प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग जिसे हमने कहा है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बाय इमैस्कुलेशन मेथड, वही प्रोसीजर वही प्रिंसिपल मेंडेल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में भी फॉलो किया। फर्क क्या है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक पेयर है कैरेक्टर का, दो अलग अलग पेरेंट में जो डिफर होता है, यहाँ पर ऐसे दो पेयर है जो दो पेरेंट में डिफर होंगे। ठीक है, अब इसे हम प्रोसीजर की तरह देखेंगे, जैसे हमने इससे पहले एक क्रॉस परफॉर्म किया था उसी तरह का एक स्पेसिफिक क्रॉस यहाँ हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो टू परफॉर्म अ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल सिलेक्ट टू होमोजाइगस पेरेंट एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। अब ये क्रॉस परफॉर्म करने के लिए मेंडेल ने सबसे पहले दो कैरेक्टर्स स्टडी किए और उनमें से जो भी कैरेक्टर्स है ही सिलेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे मेंडेल ने, सेवन डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। और इन सेवन कैरेक्टर में से दो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए, जहां पर पहला कैरेक्टर है सीड कलर एंड सेकेंड कैरेक्टर इज सीड शेप। किस तरह से परफॉर्म किया गया है एक्सपेरिमेंट ये समझिए, मेंडेल सिलेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, उनका इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी करने के लिए दो अलग अलग कैरेक्टर सिलेक्ट किए, जहां पर पहला सीड कलर है और दूसरा सीड शेप है। देन मेंडेल सिलेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स, और यहां पर सिलेक्ट किए गए जो भी पेरेंट है द पेरेंट्स आर होमोजाइगस, और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जो भी इनिशियल पेरेंट हम सिलेक्ट करते हैं कंटेनिंग द सिमिलर टाइप ऑफ अलील इन अलीलोमॉर्फिक पेयर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर के लिए अगर वहां पर दोनों अलील सिमिलर है, चाहे डोमिनेंट हो या चाहे रिसेसिव हो, उसे कहेंगे हम होमोजाइगस, या इसे ही कहा जाता है ट्रू ब्रीडिंग। सो फॉर दिस टू कैरेक्टर सीड कलर एंड सीड शेप मेंडेल सिलेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज, जो भी वहां पर वेराइटीज मेंडेल ने कलेक्ट की थी इनमें से दो अलग अलग वेराइटीज मेंडेल ने यहाँ पर सिलेक्ट की,
सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेराइटी, अब यहाँ पर ये समझिए कि कैसे सिलेक्ट किए पेरेंट इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, सीड कलर है, तो फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट द सीड कलर इज येलो, ठीक है। देखिए वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वहां पर एक टेबल दिया गया है जहां पर अलग अलग कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो सीड कलर के लिए दो अलग अलग वेराइटीज मेंडल ने सिलेक्ट की थी, जहां पर एक वेराइटी में सीड कलर येलो है और जो दूसरी वेराइटी है, इन द सेकेंड वेराइटी द सीड कलर इज ग्रीन, ठीक है। एंड फॉर सीड शेप, इस दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पहले पेरेंट में सीड शेप राउंड है एंड सेकेंड पेरेंट सीड शेप रिंकल्ड, ये दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर उनके ट्रेट, ठीक है। अगर इसको मोनो हाइब्रिड की तरह अगर समझा जाए तो क्या होगा, येलो एंड ग्रीन फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट इज सीड कलर, अगर इस कैरेक्टर को कंसिडर किया जाए तो ये दो अलग अलग ट्रेट हो गए, येलो कलर सीड एंड ग्रीन कलर सीड। अगर ये दूसरा कंसिडर करते हैं हम, दूसरा कैरेक्टर, तो राउंड एंड रिंकल्ड, ये दो अलग अलग ट्रेट्स हो गए, ओके। सो टोटल ट्रेट कितने हैं दोनों कैरेक्टर को मिला के, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट, चार ट्रेट है जो दो कैरेक्टर में डिवाइडेड है, दो ट्रेट है सीड कलर के लिए, दो ट्रेट हो गए सीड शेप के लिए। और इससे पहले मेंडेल ने मोनोहाइब्रिड रेशियो परफॉर्म किया था अलग अलग कैरेक्टर को कंसिडर करके। सो हियर ये जो दो है, द येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड कलर एंड राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप, सो दिस प्लांट इज विथ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस प्लांट इज विथ रेसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि यहां अभी मेंडेल को पहले से पता है और हमें भी पता है यहां पर कि कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन से कैरेक्टर रेसेसिव है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर ये पता नहीं था कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव है, लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें पहले से पता है कि येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन वन एंड राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल्ड। सो ये दो पेरेंट्स जो मेंडेल ने सिलेक्ट किए, ये दोनों पेरेंट कैसे हो गए, दिस फर्स्ट पेरेंट और फर्स्ट वेराइटी इज होमोजाइगस डोमिनेंट, कैसी है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि यहां प्रेजेंट रहने वाले जो दो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर के ट्रेट है, सीड कलर का कौन सा ट्रेट है यहां पर येलो और सीड शेप का कौन सा ट्रेट है राउंड, बोथ द ट्रेट्स फॉर बोथ द कैरेक्टर आर डोमिनेंट, हेंस द फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर मेंडेल ने सिलेक्ट किए इन दोनों कैरेक्टर के लिए, ये दोनों वेराइटीज, अगर इस सेकेंड वेराइटी को भी हम देखेंगे तो क्या दिखाई देता है, सीड कलर के लिए ग्रीन है, सीड शेप के लिए व्रिंकल्ड है, दोनों के दोनों कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद मेंडेल ने डिटरमाइन किया था कि आउट ऑफ सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन से ट्रेट डोमिनेंट है जो F1 हाइब्रिड में अपियर होते हैं और कौन से ट्रेट रेसेसिव है जो F1 हाइब्रिड में अपियर नहीं होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा, जो डाटा वहां पे मेंडेल ने ऑब्टेन किया था, द ग्रीन कलर ऑफ सीड एंड रिंकल्ड शेप इज फाउंड टू बी रेसेसिव। और हम जानते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर रेसेसिव है तो वो कैरेक्टर या वो ट्रेट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरी कोई भी कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। कहाँ एक्सप्रेस होता है, सिर्फ
होमोजाइगस कंडीशन में. सो बोथ ऑफ दिस पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव. सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, डायहाइब्रिड क्रॉस समझने से पहले, कि मेंडेल ने कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं, इन कैरेक्टर के कौन से ट्रेट है, और इन ट्रेट में कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रिसेसिव है. ओके, अब इसे हम क्या कहेंगे, फॉर सीड कलर येलो ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. फॉर द कैरेक्टर ऑफ सीड कलर अ येलो ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन ट्रेट एंड राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप. तो इसी तरीके से मेंडेल ने यहां पर दो अलग अलग पेरेंट सिलेक्ट किए, जहां पर ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है इसे मेंडेल ने सिलेक्ट किया एज अ फीमेल पेरेंट, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसे मेंडेल ने सिलेक्ट किया एज अ मेल पेरेंट. एंड देन ही परफॉर्म्ड दैट स्पेसिफिक प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. इसके बाद मेंडेल ने यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. अब इसे हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा है. ओके, सो वी हैव दीज टू टाइप ऑफ पेरेंट. इसको लिखेंगे कैसे ये समझिए, अगर इसको क्रॉस के फॉर्म में लिखना है हमें, सो वी हैव पेरेंट्स, क्या है यहाँ पर, फीमेल पेरेंट क्रॉस्ड विथ मेल पेरेंट. Then we have phenotype. इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, phenotype आएगा. अब जो भी दो character है इन दोनों character के trait हमें यहाँ पर लिखना है. Like in case of first parent, the phenotype for both character is yellow and round. Crossed with second parent, अब यहाँ पे phenotype क्या है दोनों अलग अलग characters का या trait का, green and wrinkled. Okay, then we have the genotype. क्या आएगा इसके बाद, genotype आएगा. अब genotype कैसे लिखते हैं, दोनों होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बोथ आर होमोजाइगस. ओके, सो जीनोटाइप के लिए फॉर द येलो टू एलील्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई. अब ये पेयर ऑफ एलील हो गया कौन से कैरेक्टर के लिए, फॉर सीड कलर इन फर्स्ट पेरेंट. इस पेरेंट में सीड कलर के लिए ये पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील, बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट येलो कलर के लिए, उसी तरह से यहां पर क्या है, सीड कलर ग्रीन है, रेसेसिव है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. रिमेंबर डोमिनेंट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में लिखे जाते हैं, रेसेसिव हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में लिखे जाते हैं. देन सेकेंड कैरेक्टर है हमारा सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड. अब इसके लिए भी पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट होगा, कैपिटल आर फॉर द राउंड, और यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल आर फॉर द रिंकल्ड. ओके, जैसे यहां पर येलो कैपिटल वाई, राउंड कैपिटल आर, ग्रीन स्मॉल वाई, wrinkled small r. And now these alleles are present in a pair. ये allele pair में present है, इसीलिए यहाँ पे हमें दो दो alleles लिखने हैं. For yellow, capital Y, allelomorphic pair. For round, capital R, ये हो गई दूसरी allelomorphic pair. इसी तरह से green, small y, और wrinkled, small r. ओके, अब देखिए हमने पहले ही क्या कहा था कि मेंडेल ने इसे क्यों स्टडी किया है, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर. ये जो पेयर है कैरेक्टर का पर्टिकुलर येलो या ग्रीन, इनका इनहेरिटेंस
राउंड या रिंकल्ड के साथ अफेक्टेड है, इफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है या नहीं, वेदर द वन पर्टिकुलर ट्रेट या फैक्टर ऑफ दोस ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट कह लीजिए, कैरेक्टर कह लीजिए या उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले फैक्टर कह लीजिए, इनका एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस दूसरे पर्टिकुलर फैक्टर पे कोई इफेक्ट, अफेक्ट या इन्फ्लुएंस होता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया हमारे पास पहला पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, यहां पर भी फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, दोनों टाइप के पेरेंट्स में दो पेयर प्रेजेंट है दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, और इन दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए जो भी पेयर है, बोथ ऑफ दिस पेयर वेदर कॉज एनी टाइप ऑफ इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, ये यहां पे हमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या आएगा, जीनोटाइप के बाद वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स कैसे तैयार होंगे, यहां पर देखिए, ट्राई कीजिए, खुद गैमेट्स बनाइए, इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक बार अच्छे तरह से याद कर लीजिए, कैसे है, क्या है प्रिंसिपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है, उसको रिमाइंड कीजिए और देखिए यहाँ पर क्या होगा, किस तरह के गैमेट्स बनेंगे। सो देखिए यहाँ पे किस टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा है, फ्रॉम एवरी पेयर ऑफ अलील, जो भी अलील की एक पेयर है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दिस पेयर ऑफ अलील गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील एंटर्स इन गैमेट। जो भी अलील की पेयर है, ये अलील की पेयर एक दूसरे से सेपरेट होती है और गैमेट में इस पेयर में से सिर्फ एक अलील ही ट्रांसफर होता है। एट अ गिवन कंडीशन बोथ अलील्स नेवर इनहेरिट इन अ सिंगल गैमेट। यहां पर चाहे वो कैरेक्टर कोई भी हो, चाहे वो ट्रेट कोई भी हो, उसे कंट्रोल करने के लिए जो दो अलील प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी एक अलील ही गैमेट में एंटर होगा, एक साथ दोनों अलील कभी भी एंटर नहीं होंगे। अब यहां हमारे पास दो अलग अलग कैरेक्टर है, दो अलग अलग ट्रेट है, सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जो भी गैमेट्स यहां पर बनेंगे, वन अलील फ्रॉम ईच पेयर विल एंटर इन द गैमेट। ये जो दोनों पेयर है अलील्स के, इन दोनों पेयर में से एक एक अलील उस गैमेट में एंटर होगा। जैसे ये जो पर्टिकुलर पहली पेयर है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दो वाई वाई अलील प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर पेयर से, कोई भी एक अ सिंगल टाइप ऑफ अलील एंटर इन अ गैमेट, दैट इज अ सिंगल डोमिनेंट वाई अलील। यहां पर इसी तरह से अ सिंगल डोमिनेंट आर। फॉर बोथ द ट्रेट बोथ द कैरेक्टर अगली जनरेशन में एक्सप्रेस होने के लिए, इस पेरेंट्स से, इस अलिलोमॉर्फिक पेयर से, दोनों पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर के लिए आएगा कैपिटल वाई, इस कैरेक्टर के लिए आएगा कैपिटल आर। कैपिटल वार फॉर, ये जो कैपिटल वाई है, ये किसके लिए, येलो सीड कलर के लिए, कैपिटल आर राउंड सीड शेप के लिए। उसी तरह से ये जो दूसरा पर्टिकुलर पेरेंट है, यहां पर भी वन अलील फ्रॉम बोथ अलिलोमॉर्फिक पेयर विल गेट सेपरेट। दोनों अलिलोमॉर्फिक पेयर में से एक एक अलील यहां पर सेपरेट होगा। जैसे यहां पर इट रिसीव्स ओनली स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, वेयर स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन ट्रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड कलर एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड शेप। यहां पर जो भी गैमेट्स बनेंगे, इन ईच टाइप ऑफ गैमेट एज द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, ये इंडिविजुअल होमोजाइगस है इन दो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, दो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। सो जितने भी गैमेट इन दोनों कंडीशन में तैयार हो गए, ऑल द गैमेट दैट इज 100% ऑफ गैमेट आर सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू द अलील कॉम्बिनेशन और अलील्स फॉर सीड कलर एंड सीड शेप। यहां पर बस एक ही टाइप के अलील हो गए,
सीड कलर के लिए कैपिटल Y, सीड शेप के लिए कैपिटल R, और यहाँ पर सीड कलर के लिए स्मॉल Y, सीड शेप के लिए स्मॉल R. Now by the fusion of these two gamete, we get a next generation, that is our F1 generation, first filial generation. अब यहां पर क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन किस तरह का बनेगा, और यहां दोनों कैरेक्टर के जो ट्रेट है क्या अपीयर होंगे, फिनोटाइप कैसा बनेगा दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, ये देखते हैं. नाउ फ्रॉम धिस पर्टिकुलर पेरेंट, एक एक कैरेक्टर को समझेंगे, पर्टिकुलर कैरेक्टर इस पेरेंट से, फॉर द सीड कलर धिस पेरेंट इनहेरिट कैपिटल वाई डोमिनेंट अलील एंड धिस पेरेंट इनहेरिट स्मॉल वाई. सो वी हैव फर्स्ट पेयर ऑफ अलील फॉर सीड कलर. सीड कलर के लिए इस तरह का पेयर ऑफ अलील बनेगा, जहां पर फीमेल पेरेंट से आया है कैपिटल वाई, मेल पेरेंट से आया है स्मॉल वाई. फीमेल पेरेंट से जो कैपिटल वाई आएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, एंड जो मेल पेरेंट से स्मॉल वाई आएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन. इसी तरीके से फ्रॉम द सीड शेप फीमेल पेरेंट इनहेरिट कैपिटल आर एंड मेल पेरेंट इनहेरिट स्मॉल आर. यहां भी एक अलील का पेयर बनेगा विच कंट्रोल द सेकेंड कैरेक्टर, दैट इज सीड शेप. हो गए दोनों कैरेक्टर के अलील की पेयर कंप्लीट, जो उनके पेरेंट्स ने इनहेरिट किए हैं. लाइक मोनोहाइब्रिड रेशियो, इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ये जो F1 प्रोजेनी यहां पे मिली है, दिस F1 प्रोजेनी यहां पर जितने भी प्लांट मिलेंगे, दैट इज 100% प्रोजेनी शोज येलो सीड कलर एंड राउंड सीड शेप. दैट इज F1 हाइब्रिड. और अगर जीनोटिपिकली देखोगे आप इसे, तो क्या ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है? दोनों कैरेक्टर कंसिडर करना है, बस एक कैरेक्टर को कंसिडर करके होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है आप नहीं कह सकते. यहाँ हमें दोनों कैरेक्टर का अलीलोमॉर्फिक पेयर को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम इसे हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कह सकेंगे कंप्लीटली. आगे तो इसमें काफी चेंजेस हम स्टडी तो करने ही वाले हैं. फॉर बोथ द कैरेक्टर, अगर ध्यान से देखें दोनों कैरेक्टर के लिए जो अलील पेयर यहां पर प्रेजेंट है इट इज डिफरेंट, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, दैट इज हेटेरोजाइगस. क्या है कंडीशन यहां पे, F1 हाइब्रिड जो है ये हेटेरो जाइगस है. फॉर ईच कैरेक्टर लाइक फॉर सीड कलर एंड सीड शेप द अलीलोमॉर्फिक पेयर विच इज प्रेजेंट कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ अलील, क्योंकि यहां एक पेरेंट से डोमिनेंट अलील इनहेरिट हुआ है, दूसरे पेरेंट से रिसेसिव अलील इनहेरिट हुआ है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर F1 जनरेशन प्लांट या जो भी प्रोजेनी है, इन 100% ऑफ इंडिविजुअल द ट्रेट अपियर फॉर बोथ द कैरेक्टर. दोनों कैरेक्टर के लिए यहां पर जो भी ट्रेट अपियर होता है, फॉर सीड कलर वी हैव अपियरेंस ऑफ येलो ट्रेट एंड फॉर सीड शेप वी हैव अपियरेंस ऑफ राउंड. बोथ द कैरेक्टर अपियर्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर यहां पर अपियर होते हैं. सो वेदर दिस कैरेक्टर्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, क्या ये कैरेक्टर एक दूसरे के साथ लिंक है, क्या सीड कलर येलो है इसका मतलब सीड शेप राउंड ही रहेगा, या सीड शेप राउंड है इसका मतलब सीड कलर येलो ही रहेगा, यहां पर हम ये कंफर्म नहीं बता सकते वेदर बोथ कैरेक्टर आर लिंक्ड विथ ईच अदर, या यहां पर किसी एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट है या नहीं.
यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करें, फिनोटाइप के बेसिस पे ऑब्जर्व करें, तो जहां जहां येलो कलर प्रेजेंट है वहां वहां राउंड सीड शेप है, या जहां जहां राउंड सीड शेप है वहां वहां येलो सीड कलर है इन 100% प्रोजेनी। कैसे? 100% प्रोजेनी में। तो क्या ये एक दूसरे के साथ लिंक है? क्या इनका इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड है? यही फाइंड आउट करने के लिए यहां पर मेंडेल ने रेस किया है इसका F2 जनरेशन टू डिटरमाइन वेदर द इनहेरिटेंस ऑफ दीज टू ट्रेट आर डिपेंड्स ऑन वन अनादर। क्या ये टोटली एक दूसरे पर डिपेंड है? क्योंकि यहां पर ग्रीन या रिंकल्ड इनमें से कोई भी कैरेक्टर अपीयर होता हुआ नहीं दिखाई देता हमें। ये भी देखेंगे कि ये यहां पर अपीयर क्यों नहीं होते हैं, इसे भी हम अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, इन केस ऑफ F1 जनरेशन 100% प्रोजेनी शोज अ डोमिनेंट फिनोटाइप। और ये जो फिनोटाइप है, क्या फिनोटाइप मिला है हमें यहाँ पर, येलो एंड राउंड, दिस फिनोटाइप इज पैरेंटल फिनोटाइप। ये नया वर्ड है, इसे याद रखना, क्योंकि आने वाले जो भी F2 जनरेशन है यहाँ इसे हमारा इसका यूज करेंगे हम, वहाँ इसे पैरेंटल फिनोटाइप, द फिनोटाइप विच इज सिमिलर टू आइदर पैरेंट। जो भी यहाँ हमने दो पैरेंट सिलेक्ट किए हैं, इन दोनों में से अगर किसी एक पैरेंट को आने वाले प्रोजेनी का कोई भी फिनोटाइप बिलोंग करता है तो उसे कहते हैं पैरेंटल फिनोटाइप। जो पैरेंट से सिमिलर है फॉर बोथ कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर के लिए नहीं, एक कैरेक्टर के लिए तो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली किसी ना किसी पैरेंट को तो मैच करेगा ही, हमें दोनों कैरेक्टर को कंबाइन देखना है यहाँ पर। फॉर बोथ द कैरेक्टर द F1 हाइब्रिड्स आर पैरेंटल, इस पर्टिकुलर पैरेंट से बिलोंग करते हैं येलो एंड राउंड। यहाँ पर भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन येलो एंड राउंड, सो दे शोज अ पैरेंटल टाइप ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सिमिलर टू अ होमोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें मिली है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन पर्टिकुलर डाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडेल ने जैसे मोनोहाइब्रिड रेशो में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्लांट को ही यूज किया था F2 जनरेशन रेज करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पर भी मेंडेल ने ये जो पर्टिकुलर F1 प्लांट है, दीज F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, क्योंकि F1 जनरेशन रेज करने के लिए मेंडेल ने क्रॉस पॉलिनेशन का यूज किया है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग की है, लेकिन F2 जनरेशन रेज करने के लिए मेंडेल ने F1 जनरेशन के प्लांट को ही सेल्फ पॉलिनेट किया है, और तब जाके मिलता है F2 जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर भी हमें जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन मिला है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी F2 जनरेशन डिटरमाइन करना है। अब ये F2 जनरेशन क्या आता है, डिपेंडिंग ऑन द F2 जनरेशन वी हैव फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एंड थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स।